हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड वेज कबाब। और इसके इंग्रेडिएंट्स है 1.5 कप बेसन, 1 कप क्रश कोकोनट, 1 कप दही, प्याज और शिमला मिर्च छोटे छोटे कटे हुए, टमाटर छोटे कटे हुए धनिया पत्ता ऑयल, गार्लिक पेस्ट, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची गुड़ा, गरम मसाला अमचूर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक और सोडा। और बेकिंग के लिए हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। सभी सामग्री को हमें मिलानी है और ये देखिए पेस्ट तैयार है। और हल्का सा ऑयल लगाकर बेकिंग ट्रे में अच्छे से डालकर हमें ये कढ़ाई में बेक करना है। ये देखिए इस तरह ये कढ़ाई लिया मैंने और इसमें नमक है और स्टैंड लगाया। अब इसमें ये बेक होगा। अब हम इसे 20 से 25 मिनट बेक होने के लिए ढक के रखेंगे। खुशबू से पता चल रहा है कि ये बेक हो चुका। अब हमें ढक्कन खोल के इसे देखना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। ये हमें इसे ठंडा करने के लिए 10 मिनट रखना है। ठंडी होने के बाद चाकू से किनारी घुमाएं ताकि कबाब बिना टूटे अच्छे से बाहर निकल आए। अब एक प्लेट लेके इसे उल्टा करके ये देखिए इस तरह से देखिए कितनी सुंदर से आ गई। अब इसके छोटे छोटे पीस हमें चक्की के जैसे काट लेनी है। ये तैयार। कबाब फ्राई करने के लिए मैंने मैदे का एक पेस्ट बनाया है और इसे डीप डीप करके हमें हल्का सुनहरा फ्राई करना है। इस तरह से मैंने ये हल्का डीप फ्राई किया है। कबाब और सारे डेकोरेशन के सामान तैयार है और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के बाद तवे पे बटर डालकर हमें इसे सेकना है। वेज फ्राई कबाब तैयार है।